हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फ्री मेडिसिन एडवाइस चैनल और मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस मेडिसेलिक ऑइंटमेंट के बारे में। बहुत सारे लोगों ने इसका इस्तेमाल भी किया होगा और बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करने की इच्छा भी रखते होंगे, पर उनको पता नहीं है कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे होना चाहिए। बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल गोरे होने के लिए करते हैं, जो कि कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गोरे होने की क्रीम नहीं है। बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल झाइयों में करते हैं या फिर एक्ने पिंपल्स में करते हैं, जो कि बाद में बहुत ही ज़्यादा उनको नुकसान पहुँचा जाता है, लेकिन उनको पता नहीं चलता। जब वो शुरुआती के दिनों में इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनके स्किन पे निखार आता है, गोरापन आता है, और जो थोड़े मोड़े झाइयाँ होती है या फिर एक्ने पिंपल्स की समस्या होती है, वो भी कुछ देर के लिए गायब हो जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसका रियल रिव्यू कि इसके अंदर होता क्या है, और दोस्तों आइए जानते हैं कौन सी ब्रांड की बनाई हुई प्रोडक्ट है, इसकी MRP क्या है, और इसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया गया है इसके बारे में। और दोस्तों, ये भी जानेंगे कि इसका इस्तेमाल वाकई में कहाँ पे होना चाहिए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस मेडिसेलिक ऑइंटमेंट का रिव्यू, इसका वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि ये कौन सी ब्रांड की बनाई हुई प्रोडक्ट है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि ये टर्क कंपनी की बनाई हुई प्रोडक्ट है और इसकी MRP 126 रुपीज है। दोस्तों, ये 20 ग्राम के पैक में आती है। दोस्तों, आइए जानते हैं इसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया गया है। तो इसके अंदर क्लोबेटासोल और सेलिलेक एसिड का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसके इस्तेमाल के बारे में। तो अगर आपको दांत खाज खुजली की समस्या है, आपको एक्जिमा है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि आप इसे गोरे होने के लिए इस्तेमाल करें। जो भी लोग इसका इस्तेमाल गोरे होने के लिए करते हैं, उनको आप देख पाते होंगे कि कुछ दिनों के बाद उनकी स्किन में रेडनेस की समस्या हो जाती है, या फिर पहले से भी ज्यादा झाइयां आने लगती है, या फिर उनके स्किन पे एक्ने पिंपल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि इसका एक साइड इफेक्ट है। दोस्तों, कभी भी आप इसका इस्तेमाल चेहरे पे न करें गोरे होने के लिए, या फिर जो चेहरे पे झाइयां या फिर एक्ने पिंपल्स होती है उनको हटाने के लिए इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया जाना चाहिए। आपको इसका इस्तेमाल दाद खाज खुजली में करें, एक्जिमा में करें, उसमें ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से काम करती है। आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, उसमें ये बहुत ही अच्छे ढंग से काम करती है। पर इस फोटो के सहारे और लोग इसका देखा देखी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि इसके इस्तेमाल से हम गोरे हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कभी भी गोरे होने के लिए ना करें। अगर आपको दांत खाज खुजली की समस्या है, स्किन में एलर्जी हो गई है और आपको खुजलाहट हो रही है, तो उस स्थिति में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी ढंग से काम करती है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इसके अंदर किस प्रकार की ट्यूब होती है। तो दोस्तों, इसके अंदर इस प्रकार की प्लास्टिक की ट्यूब होती है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि आप जितना इसके अंदर से क्रीम चाहे उतना ही निकलेगा। टीन की ट्यूब में होता क्या है कि एक बार दबने के बाद उससे ज़्यादा क्रीम बाहर आ जाती है, तो ये इसमें बहुत ही अच्छी है। दोस्तों, आइए जानते हैं इसके फायदे और नुकसान के बारे में। दोस्तों, आइए जानते हैं सबसे पहले इसके फायदे के बारे में। तो अगर आपको दांत खाज खुजली की समस्या है, तो ये बहुत ही अच्छी ढंग से काम करती है, उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बहुत ही बेहतरीन क्रीम भी है। दोस्तों, आप आइए जानते हैं इसके नुकसान के बारे में। तो सबसे पहला नुकसान दोस्तों, आपको ये जो MRP है 126 रुपीज, ये बहुत ही ज़्यादा है। आप इसी मॉलिक्यूल का या फिर इसी कम्बिनेशन का दूसरे ब्रांड का अगर आप कोई क्रीम लेते हैं, तो बहुत ही सस्ते, लगभग इससे आधे दाम में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। एक ही क्रीम है जो कि इसके इससे ज़्यादा महंगी होती है, वो है डिप्सेलिक, और अगर उसको हटा दिया जाए तो उसके बाद ये दूसरी क्रीम है जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगी है इस ग्रुप में। अब दूसरे ब्रांड की अगर इस मॉलिक्यूल की आप क्रीम लेने जाएंगे, तो आपको लगभग 60 या 65 रुपीज के आसपास, 70 रुपीज के आसपास मिल जाएगी। दोस्तों, अब आइए जानते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको पहले से भी ज़्यादा इचिंग की समस्या होती है, या फिर खुजली की समस्या होती है, या फिर आपके स्किन पर रेडनेस की समस्या होती है, तो आप इसके इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें, फिर आप इसका इस्तेमाल करें। दोस्तों, आप आइए जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कब नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको इस क्लोबेटासोल या फिर सेलिलेक एसिड से आपको एलर्जी है, तो आप इस क्रीम का इस्तेमाल न करें, या फिर डॉक्टर के सलाह के बाद ही आप इसका इस्तेमाल करें, या फिर अगर आप और भी किसी प्रकार की एंटी फंगल क्रीम या फिर एंटी बैक्टीरियल क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी आप इस क्रीम के इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें, फिर आप इस क्रीम का इस्तेमाल करें।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आज की जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर इस प्रकार की और जानकारी आप चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल का बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।